दोस्तों अभी हम उपस्थित हैं सरयू घाट के किनारे और यहाँ से हम आपको दिखाने ले चलेंगे कि आज छठ पूजा हो रही है। आज है दिनांक 10 तारीख और आज छठ पूजा के पर्व में नए घाट पे काफ़ी भीड़ हुई है, देख सकते हैं आप, और काफ़ी सुंदर नज़ारा है। और यहाँ छठ पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ बहुत भीड़ भाड़ है और यहाँ पे छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। जैसा कि अभी जितनी भीड़ देख रहे हैं उससे ज़्यादा भीड़ आपको सुबह देखने को मिलेगी, क्योंकि सुबह के टाइम उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और जो अभी अर्घ देना होता है वो डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। हम आपको वीडियो के आखिरी में हम आपको इसके बारे में बताएंगे छठ पूजा क्यों मनाया जाता है और इसकी पूजा की क्या क्या विधि है, तो वीडियो पे बने रहे, वीडियो पे लास्ट बने रहे, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो अभी हम आपको ले चलते हैं पक्के घाट की तरफ और अभी हम जहाँ हैं ये कच्चा घाट है और यहाँ से भी हम आपको दिखाते हैं कि कितने क्या क्या कार्यक्रम होंगे। आगे स्टॉल भी है, वहाँ पे छठ पूजा का कार्यक्रम चल रहा है, कथा सुनाए जाते हैं वहाँ पे, वहाँ भी हम आपको ले चलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं टोकरी पे लोग ले जा रहे हैं फल और खरसा वगैरह और उसमें प्रसाद चढ़ाया जाता है जो कि उनको ले जाया जा रहा है। और यहाँ पे हम आपको नदी के किनारे लेके चलते हैं और वहाँ से हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों अभी हम आ गए हैं पक्के घाट पे और पक्के घाट का ये नज़ारा है। हमारे बाएं तरफ सरयू नदी और दाएं तरफ जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं इसके पीछे ही राम की पैड़ी है और यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हैं। दोस्तों छठ पूजा वैसे तो मुख्य तौर पर बिहार और झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन इसकी अब ग्लोबल पहचान बन चुकी है। लोग आस्था के इस पर्व पर उगते और डूबते सूरज की आराधना करते हैं। सूर्य षष्ठि व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। छठ पर्व वर्ष में दो बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र और दूसरी बार कार्तिक। चैत्र शुक्ल षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैत्र छठ और कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिक छठ कहा जाता है। कार्तिक महीने में मनाए जाने वाले छठ की अधिक मान्यता है और इस महीने ही लोग इस पर्व को व्यापक रूप से मानते हैं। चार दिनों तक चलने वाला यह त्यौहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी को नहाए खाए से शुरू होता है, जो इस बार सोमवार यानी 8 नवंबर को पड़ रहा है। नहाए खाए के दिन व्रत गंगा यानी पास के नदी तालाब में डुबकी लगा जाती है और केवल एक बार सात्विक भोजन करते हैं। कार्तिक मास के पंचमी को खरना भी कहा जाता है। इस दिन व्रत शाम को गुड़ अरवा चावल की बनी खीर और रोटी खाते प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके बाद तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या में अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन उगते सूर्य को। खास बात यह है कि खरना के दिन शाम में प्रसाद ग्रहण करने के बाद से ही 36 घंटे तक यानी उगते सूर्य को अर्घ देने तक व्रत यानी व्रतिया निजला करते हैं। इस चार दिनों में व्रतियों के लिए प्याज लहसुन या किसी तरह का मांसाहारी भोजन वर्जित रहता है। दोस्तों इस बार का जो छठ पूजा का शेड्यूल है वो भी हम बता देते हैं। 8 नवंबर 2021 सोमवार नहाए खाए, 9 नवंबर मंगलवार खरना, 10 नवंबर डूबते सूरज को अर्घ और 11 नवंबर उगते सूरज को अर्घ। दोस्तों साथ ही हम पूजा विधि भी बता देते हैं। कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन घर में पवित्रता के साथ कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जिनमें ठेकुआ खास तौर पर प्रसिद्ध है। सूर्यास्त से पहले सारे पकवान को बांस की टोकरी में भरकर निकट के घाट ले जाया जाता है। एक मान्यता यह है कि छठ पूजा में सबसे पहले नई फसल का प्रसाद चढ़ाया जाता है, इसलिए प्रसाद के रूप में गन्ना फल अर्पण किया जाता है। घाट पर 4 से 5 गन्नों को खड़ा कर बांधा जाता है और उसके नीचे दीप जलाए जाते हैं। व्रत करने वाले सारे स्त्री और पुरुष जल में स्नान कर इन डालों को अपने हाथों में उठाकर षष्ठी माता और भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं।
सूर्यास्त के पश्चात सब अपने घर लौट आते हैं। अगले दिन यानी कार्तिक मास कार्तिक शुक्ल सप्तमी को सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में डालों से पकवान नारियल और फलदान रखकर नदी के तट पर सारे व्रती जमा होते हैं और उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। इसके बाद छठ व्रत की कथा सुनी जाती है और कथा के बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रती अपना व्रत तोड़ते हैं। जितनी भी माताएं बहने यहाँ पे व्रत धारण करके यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी माताओं बहनों का धार धारण